हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मौसम का हाल देखिए कुछ ऐसा है, दिखा देती हूँ आप लोगों को। बारिश हुई है, ये देखिए बारिश हुई है, पूरा आंगन भींगा हुआ है। और अभी मेरे बच्चे दोनों सोए हुए हैं और मैंने कल ज्वेलरी कलेक्शन दिखाया था आप लोगों को, तो मैं वही साड़ी जो पहनी थी वो साड़ी तय करना है और जो भी गहने निकले थे ना उन्हें रखना है, क्योंकि पीहू अगर जगी रहेगी तो मैं नहीं रख पाऊँगी। सबने लेके घूमने लगते हैं, इधर पहनने लगी कि मम्मा यहाँ लगा दो, मम्मा वहाँ लगा दो, लगेगी सब करने, तो मैं जा रही हूँ। सब दोनों सोए हैं, मैंने सोचा क्यों ना अपना आप में ये सारा समेट लूँ। और ये सब चूड़ियाँ हैं, किसी दिन भी आऊँगी और यहाँ पे मैं अपनी साड़ियाँ तय कर रही हूँ। कल मैंने निकाला था तो कल तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं तय कर सकूँ, इसलिए आज कर रही हूँ। और सारी ये सब चूड़ियाँ वगैरह ज्वेलरी सब अच्छे से सेट करके रख रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम सही से नहीं रखते तो कहीं जाना होता है ना तो बड़ा टेंशन हो जाता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी हूँ। और इस टाइप की चीज़ें ना बहुत जल्दी भूल जाती हैं, या फिर अच्छे से ना रखो ना तो सब एक दूसरे में मिक्स हो जाती है। मेरे साथ तो अधिकतर होता है कि कहीं जाना होता है ना तो मुझे सब कुछ निकालना पड़ता है, मुझे याद नहीं रहता कि मैंने कहाँ रखा है। तो बस सब वही सेट उठे सबका ढूंढ रही हूँ कि इसका कहाँ गया, एक साथ रखो तो सही रहता, जल्दी मिलता नहीं है, सब एक जैसे देखने में लगते हैं ना इसलिए जल्दी मिलता ही नहीं कि कौन कहाँ पे गया है। उसके बाद इस डिब्बे में ना मैं अपने कानून की रखती हूँ, दो तीन डिब्बे ऐसे हैं जिसमें किसी में मैं कान की रखती हूँ, किसी में पैर की रखती हूँ, ऐसे करके रखती हूँ ताकि कहीं जाना हो तो एक डिब्बा निकालो और पूरा मिल जाए। और बच्चे सोए थे तो ये काम करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और यहाँ पे देखिए मैं बाल में गजरा लगा के भूल गई थी और आ गई हूँ मैं स्टोर रूम में और रख रही हूँ सामान। तो साड़ियाँ मैंने निकाली थी ना, और ये है मेरा स्टोर रूम। आप लोग बहुत कम देखते होंगे, क्या नहीं देखते होंगे, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा कम है, बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा है। इसमें मेरी अलमारी है, मेरे बहुत ज़्यादा सामान इसमें आ जाते हैं और इनके सारे कपड़े स्टोर रूम में ही रहते हैं, बाहर नहीं रहते। बाहर वो रहते हैं जो डेली यूज़ करते हैं, बाकी आने जाने वाले या स्कूल आते वक्त जो पहनते हैं। और मेरे बहुत सारे कपड़े स्टोर रूम में ही रहते हैं, तो यहाँ पे मैं सब देख रही हूँ। और पूरा मेरी अलमारी एकदम फुल है, बिल्कुल भी जगह नहीं है। और ये गजरा मैं लगाई थी, भूल गई थी, जब वीडियो देख रही तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने बाल में गजरा लगाया था, मुझे बहुत पसंद है बाल में गजरा। फिर और कोई फेस्टिवल हो ना तो उस पर तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और ये सारे कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में साफ करके सुखाए हैं अभी, और इसे मैं डाले जा रही हूँ दूसरे रूम में। वो रूम आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं है, तो मैं हाउस टूर कराऊंगी आप लोगों को अपना, तो वो रूम दिखाऊंगी। वो सबसे आगे रूम है और उसमें ढेर सारे कपड़े हैं, इसलिए मैं उसको नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि ना उस रूम के अंदर मैंने ना रस्सी बांध रखी है और मीठी के सारे छोटे छोटे कपड़े, पैंटी से लेकर के पैजामिया से लेकर के रुमाल जो भी दूध पिलाने में यूज़ होता है सारी चीज़ें, वो पूरा रूम ना कपड़े से भरा है मीठी का। सबको मिठी क्या खा रही हो बता दो, सबको देख लो मिठी क्या खा रही है, कि तो बिस्किट खा रहे हैं, दिखा दो दिखा दो। और मिठी भी सो की जगी है, बाबू पाले जी खा रहे हो। और मैं अभी खाने की तैयारी, मुझे अभी बर्तन ढेर सारा धोना है, तो मैं बर्तन धो के उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करूंगी। तब तक मिठी जग गई। और यहाँ मैं मिट्टी को गोल गोल घुमा रही हूँ, बड़ा खुश होती हूँ, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे करने पे। तो बस वही थोड़ी सी मस्ती मिट्टी के साथ चल रही थी, थोड़ा सा उसे मैं खिला रही थी, क्योंकि इसके बाद तो फिर जाके काम ही करना है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 फ्रेंड मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे जो व्यू है ना वो बिल्कुल भी नहीं बढ़े, मेरा कोई भी वीडियो वायरल नहीं हो रहा, थोड़ा सा टेंशन है। प्लीज़ आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करिए और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे कुछ देर बाद। और यहाँ पे होने लगी है शाम के खाने की तैयारी करने से पहले मैं सॉक्स वगैरह पहन रही हूँ। और ये मैं शाम के खाने के लिए मैं बनाऊंगी आज भरवा बाटी, तो उसके लिए मैं चना है उसे अच्छे से, उसके जो छिलके होते हैं ना उसे निकाल रही हूँ,
और मिट्टी बहुत परेशान करती थी। एक तो बारिश हुई थी, मैं इसे नीचे छोड़ नहीं सकती थी और झूले पे बैठे बैठे ये रोने लगी थी, वाकर में नहीं डाल सकती थी। और देखिए कितनी शैतानी कर रही है, मतलब बार बार पूरा चना मेरा लेके ना पूरा छीट डाल रही थी, और वही मैं चने की छिलके हटा रही हूँ। और ये पीहू भी खाती है तो छिलके रहते तो उसे भी दिक्कत होती है, तो मैं निकाल देती हूँ। और यहाँ पे मैं सूप होता है ना, हम लोग यहाँ इसको सूप बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग जरूर बताइएगा। ये प्लास्टिक का है मेरा, मैं घर से लाई हूँ, मेरी मम्मी ने दिया था, तो मैं उसमें से ना बहुत अच्छे से निकल जाता है सूप से, तो मैं वही निकाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने पैर लगाया है क्योंकि ना मीठी बार बार मेरे पास आ जा रही थी, मुझे दिक्कत हो रही थी। और ये मीठी जग चुकी है, वॉइस ओवर करते हुए शैतानियाँ कर रही है। और इसको ना चैन मिलता ही नहीं है। बच्चे ऐसा होता है ना कि सबके बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर कुछ काम करो ना तो उनको ना डिस्टर्ब करने में मज़ा आता है। उसके बाद जो मैंने बर्तन यूज़ किए थे उसको धोने, मतलब उसको करने के लिए, वो सब मैं अच्छे से धो रही हूँ। मेरा टब बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, मैं कई दिनों से सोच रही थी आज करूँगी कल करूँगी, तो फाइनली आज मैंने टब साफ़ कर लिया है। मैं हमेशा 4-5 दिन पे साफ़ करती रहती हूँ, जो भी बर्तन यूज़ करती हूँ तो उसे हमेशा साफ़ करती रहती हूँ, ऐसे ना इकट्ठे नहीं होता है। और यहाँ पे मीठी आंगन में आ गई थी, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ के दौड़ के उसे पकड़ना पड़ा, और उसके हाथ में खिलौना था ना, वो खिलौना गिर गया। और आ गई हूँ मैं किचन में, और आज मैं बना रही हूँ मीठा चीला। जी हाँ, मीठा चीला बना रही हूँ। मैं गुड़ का चीला बनाने जा रही हूँ, गुड़ और आटे का। तो गुड़ को उठा बड़े बड़े टुकड़े पे, पीहू बाबू के ऊपर से डाल, तो गया बच्चा बाबू की जाएगी उसके मुंह पर से डाल, बाहर मत जाने। तो बाबू कौन सा ले लो बरामदे में, बाबू देखो गिर जाएगी, अंदर लेके जाओ अंदर। तो मैंने क्या किया, गुड़ था बड़े साइज में था ना, तो मैंने क्या अंदर था गर्म कर दिया, तो वो बिल्कुल अच्छे से घुल गया है, और उसे मैंने छान लिया है। उसके बाद मैंने इसमें आटा डाला है, और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिया है, थोड़ा सा काजू, अरे नहीं बादाम किशमिश डाला है, और नारियल नहीं डाला है क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है नारियल। चीले अच्छे बने थे, मुझे बहुत पसंद आए थे। मैं बहुत बार नहीं बनाई हूँ, और चीनी का एक बार बनाई हूँ, लेकिन हाँ गुड़ के ज़्यादा अच्छे लगे थे, और वैसे भी मुझे मीठी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और पीहू ने भी खाया था, और मैं इसके पापा से बात कर रही हूँ, वो आए हैं ना, तो मैं उनसे बात कर रही हूँ कि क्या हुआ, घर का क्या हुआ, सब खिड़की दरवाजे लग रहे हैं ना, तो उसी के बारे में बात हो रही है, कहाँ खिड़की लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। आटे का सबको हेलो करो, हेलो करो सबको, हेलो अच्छे से बोलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नहीं आता फिर को, नहीं आता, अब जाओ, अब जाओ, दे जाओ, जाओ खाओ। और मैंने चीले पीहू को दे दिए हैं, उसके बाद मैं करने लगी हूँ मकुनी की तैयारी। इसे ना हम लोग मकुनी कहते हैं, हम लोग क्या मकुनी ही कहते हैं, लेकिन ऐसे मैंने नेट पे देखती हूँ ना तो भरवा बाटी बोलते हैं, तो उसके लिए मैं प्याज काट रही हूँ, प्याज इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कलौजी, और उसके बाद मैं डाल रही हूँ ये अजवाइन है, और उसके बाद हरा धनिया, प्याज, अदरक, नमक, मिर्च मैंने नहीं डाला है, और इसमें सरसों का तेल ही डालते हैं, बाकी रिफाइंड वगैरह नहीं डालते, सरसों का तेल डालते हैं। और उसके बाद नींबू डालते हैं, अगर आपके पास नींबू ना हो ना तो आप नींबू का अचार डाल सकते हैं, या फिर जो भरवा मिर्च होती है ना उसका मसाला मिला सकते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन मेरे पास मैंने नींबू मंगाया था तो मैं नींबू ही डालती हूँ। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं आटा गूंथ, उसको मैंने मिक्स करके रख लिया है, मेरा बन गया है भरने के लिए। और यहाँ पे मैं आटा गूंथने जा रही हूँ, तो इसमें नमक, अजवाइन और घी मैंने डाला है, तो मेरा घी खत्म हो गया था, एक तो जम भी गया था, तो मैंने उसे गर्म कर लिया है। और यहाँ पे मेरा आटा गूंथ गया है, वैसे ही जैसे बाटी का आटा गूंथते सेम वैसे ही आटा गूंथना है, और उसके बाद मैं इसे भर लूंगी। मैं भाई कई बार ना मैं इसको छान के बनाती हूँ, या फिर जैसे पहले हुआ कि हमने गोल गोल सा बना लिया, उसके बाद हमने गर्म पानी में डाल के 2-3 मिनट के लिए बॉयल कर लिया, उसके बाद ठंडा होने के बाद छान लिया,
कई बार होता है कि हम डायरेक्टली उसको छान ही लेते हैं, डायरेक्टली उसे छान लेते हैं तेल में, लेकिन जब से मेरे पास अप्पम स्टैंड आया ना हम छानते नहीं है। बाटी उटी तो हम छाना अब नहीं खाते बहुत कम, क्योंकि तेल उल भी लगता है। फिर जब इसमें अच्छे से बन जाता है तो मैं अब अप्पम स्टैंड में ही भरवा बाटी भी बनाती हूँ। और मैं जो चोखा था ना उसका बैगन वगैरह मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था, और टमाटर बैगन मैंने फ्राई कर लिया था तो उसको मैंने पहले से अच्छे से कर लिया, उसमें सब कुछ मैंने तैयार करके रख लिया था। और आज मैंने उसको दिखाया नहीं क्योंकि वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जा रहा था, और फिर चोखा तो मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर भी करी हूँ इसलिए मैंने उसे नहीं दिखाया। और यहाँ इसी तरह से कि मैं भरती चली जाती हूँ और एक एक करके मैं रखती भी चली जाती हूँ। तो थोड़ा सा ये होता है ना कि इसमें बनाओ तो थोड़ा सा ऑयली कम लगता है और उसमें ना थोड़ा ऑयली हो जाता है, लेकिन हाँ वो भी बहुत टेस्टी लगता है, मैं वो भी बनाती हूँ। लेकिन जब से अप्पम स्टैंड आया है मैंने थोड़ा सा बनाना कम कर दिया है, और ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। भरवा बाटी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बस थोड़ा सा इनके पापा को लग रहा था कि मिर्च नहीं है तो वो पीहू की वजह से मैंने नहीं डाला था, पीहू ने कम खाया था, पीहू बिना मिर्च के भी मम्मा तीखा लग रहा है, जबकि मीठी ने खूब खाया था, मीठी को अच्छा लगा था। और यहाँ पे मैं एक एक करके पलट रही हूँ, मैंने इसे ढक दिया था, बिना ढके भी हो जाता है, तो मैं बिल्कुल पलट रही हूँ, देख रही हूँ कि किधर हुआ है किधर नहीं। ना पलटो ना तो कुछ देर में ये जल जाता है, और बीच वाले के जलने के चांस ज़्यादा होते हैं इसलिए पलटना भी ज़रूरी होता है। बनाना है और उसके लिए मैं सत्तू नहीं मंगाती हूँ मार्केट से, और जो चना होता है ना मैं उसे मिक्सर में पीस लेती हूँ, भुना चना मार्केट से मंगा करके मिक्सर में पीस लेती हूँ, क्योंकि मार्केट वाला चाहे जितना भी ब्रांडेड लो ना वैसा नहीं होता, घर की तरह नहीं होता। और उसमें मैंने डाला है मंगरैल, अजवाइन और नमक, नींबू, मिर्च और प्याज, अदरक, लहसुन नहीं डाला है, और हरा धनिया डाला है, मिर्च नहीं डाला है क्योंकि पीहू मिर्च नहीं खा पाती इसलिए मैंने मिर्च नहीं डाला है। और मेरा हो रहा है अप्पम स्टैंड में बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ चोखा। यहाँ पे ना मंगरैल, हम लोग जब मंगरैल बोलते हैं यहाँ पे ना कलौजी बोलते हैं। जब मैं नई नई आई थी यहाँ पे ना तो एक बार मुझे अचार डालना था तो मुझे मंगाना था वही मंगरैल, तो मैं यहाँ पे सब दुकान पे जाकर के ये बोले, किसी को पता नहीं था, मतलब सब लोग काली मिर्च से लेके हर चीज दिखाया, किसी को पता नहीं था कि मंगरैल किसे कहते हैं। फिर हम लोगों ने नेट पे सर्च किया, यूट्यूब पे गूगल पे सर्च किया, फिर उसका नाम मंगरैल करके सर्च किया तो आया कलौंजी, तो हम लोगों ने यहाँ पे कलौंजी कहा तो हम लोग को मिल गया था। यहाँ पे सब लोग कलौंजी बोलते हैं, हम लोग मंगरैल बोलते हैं हम लोग की साइड। और मौसम खराब है, रिमझिम बारिश हो रही है और बिजली नहीं चमक रही है, काफी देर तक बिजली चमक रही है, मुझे तो बहुत ज्यादा बिजली से डर लगता है। अभी तो जब पीहू छोटी थी ना तो बिजली चमक रही थी, मैं आप किचन में खाना बना रही थी, और जब बिजली चमकती है तो मैं खाना पानी छोड़ के भाग जाती हूँ, मैं नहीं बनाती, मुझे बहुत डर लगता है, कोई चीज भींगती तो भींग जाए, मैं लेनी नहीं चाहती। बहुत तेज की तो बात छोड़िए, जब हल्का हल्का सा ना उजाला होता है ना तो भी मैं भाग जाती हूँ, जैसे लगता है ना कि थोड़ा सा भी उजाला हुआ तो मैं बाहर नहीं, आंगन में नहीं जाती। और मुझे लगता है कि मौसम आज खराब है, बारिश होने वाली है, बिजली मैं अपना सारा काम करके फिनिश कर देती हूँ। और जब बिजली चमक रही थी मैं पीहू के साथ किचन में थी, जब पीहू छोटी थी तब, और बहुत तेजी चमक रही थी तो मैं पीहू के साथ यहाँ नीचे मतलब प्लेटफॉर्म के नीचे छुप कर बैठी थी। और एक बार मुझे याद है कि मैं अपने यहाँ जाते ना गांव में घर के बाहर बाथरूम होता है, थोड़ा सा दूरी पे था, मैं नहाने गई, बिजली नहाते नहाते ना बिजली बहुत तेज चमकने लगी, बारिश बहुत ज्यादा तेज होने लगी। मुझे याद है कि मैं एक डेढ़ घंटा तक बारिश भयंकर वाली हुई थी, बिजली भी बहुत तेज चमक रही थी। मुझे याद है कि मतलब मैं बाथरूम में बंद करके एकदम कोने में चिपक के कान में उंगली डाल दी थी, एकदम नीचे बैठी थी, ऐसा लग रहा था ना कि मर जाऊंगी, ऐसा लग रहा था ना कि बिजली मेरे ऊपर आके गिर रहा है, मतलब उतनी देर तक जैसे लग रहा था कि किसी तरह मैं जिंदा बच जाऊँ, ये मेरी कंडीशन है। और मुझे बहुत ज्यादा बिजली से डर लगती है, इसके पापा को भी पता है कि बहुत डर लगता है यार। और इसमें जब हम सेकते हैं ना तो जो बीच में रहता है ना उसको चेंज करते रहते हैं, जैसे कि जो अप्पम स्टैंड में जो बाटी हम बीच में रखी है वो थोड़ा सा अच्छे से सीख जाता है तो उसे हम किनारे कर देते हैं, किनारे वाले को बीच में कर देते हैं।